Lens, this card. जैसा कि सर ने बताया कि जो ए से लेकर जेड तक है, जो इसमें अलग अलग वर्ड है उस पर यूज करके सेंटेंस बनाने हैं और उस पर कुछ लिखना है, तो मैंने इस पर कुछ लिखा है। I use the art of learning with a balance of activity to positive development with discipline to child. I want to emotional development of child with fun group activities to their holistic development. By the learning methods, I ignite minds of child with joyful learning and kindness to develop their life skills. With music and motivation, I want to enhance the knowledge of children. In order with peer learning, I want to develop questioning mind of children. थोड़ा सा जैसे life skill, lifelong learning, learning में first point में लिखो ambition, second books. बुक्स के ऊपर बच्चे का मतलब मोटिवेटेड करना, जैसे न्यू जनरेशन का बच्चे के अंदर बुक पढ़ने का ये सोच बदल गया, नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो अगर बुक्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी आएंगे, नॉलेज क्वेश्चन रेडी होगा,
एंड डेडिकेशन एक्सप्लोरेशन जितना बुक पढ़ेंगे उतना न्यू आइडियाज का जन्म होने का चांसेस है एंड फ्लेक्सिबिलिटी जैसे क्लास 9-10 में फर्स्ट पीरियड में सोशल साइंस या सिविक्स में भी उसके बाद आ गया साइंस साइंस का हो सकता है फिजिक्स उसके बाद आ गया इंग्लिश उसके बाद केमिस्ट्री तो ये सातों सब्जेक्ट एक साथ बच्चे नॉलेज लेने के लिए एक फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए जैसे कुछ कुछ सब्जेक्ट में बोरिंग हो जाता है जैसे साइंस में इंटरेस्टेड है लेकिन फिजिक्स लेना नहीं चाहते हैं सुनना नहीं चाहते हैं मतलब सब्जेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी बच्चे के अंदर एंटर करना बहुत जरूरी है वो हम लोगों का काम है नेक्स्ट है जी फॉर ग्रोथ जस्ट फिजिकल डेवलपमेंट नहीं ग्रोथ जैसे हम लोग एजुकेशन में पढ़ते हैं ग्रोथ एक सर्टेन पीरियड तक होता है वो फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं But development lifetime process. Humility always more learn. मतलब just ऐसा नहीं कि सिर्फ book पढ़ेंगे. Book के बाद भी बहुत सारे innovative thinking है जो हम लोग बच्चे के अंदर enter कर सकते हैं. Inquiry, joy of discover. मतलब जैसे बोला था what, why and how. ये तीनों क्वेश्चन अगर बच्चे के अंदर एंटर होगा तो बच्चे के अंदर इंक्वायरी करने का सोच आएंगे एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है नॉलेज है न्यू पर्सपेक्टिव मतलब उसका दृष्टिभंगि क्या है वो ये पढ़ के क्या सोच रहा है न्यू पर्सपेक्टिव ओपन माइंड है जैसे एक टॉपिक से मेरा कुछ सब्जेक्ट में जेंडर रिलीजियन एंड कास्ट तो एंशियंट पीरियड में जेंडर के साथ क्या हुआ मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ अभी हम लोग पोस्ट मॉडर्न सिचुएशन में है तो इस ये तीनों को कैसे एक साथ इन्वॉल्व करूँगा तो ओपन माइंडेड नहीं होंगे तो बच्चे के अंदर वो इतने नहीं होंगे कितना तो हुआ थैंक यू सर बहुत थैंक यू वेरी मच सर यस logical keep your students in disciplines and also their dresses must be neat and clean teachers should teach their students about outside learning and their skills like how to cross a road where zebra crossing is urgent thank you sir aur kisi table ko dhyan hai yes एक पहले मैम से लेकर के फिर इधर आते हैं क्योंकि अभी तक चेंज लोग हैं स्कूल लाइफ में सबसे पहले एक्टिविटीज अभी जितने भी अभी स्कूल में पढ़ाने के लिए पहले अभी एक्टिविटीज बहुत जरूरी है उसके साथ हमें आर्ट भी उसके साथ चलने लेकिन चित्र जो मतलब हम लोग चित्र करवाएंगे ड्रॉ करवाएंगे उसके हिसाब से बच्चे को सीखेंगे फिर उसके बाद हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा क्योंकि जिस क्लास में हम रहते हैं कोई बच्चा हाई लेवल का होता है मतलब बहुत नॉलेज में बहुत तेज होते हैं कोई बच्चा उसमें लो होते हैं तो हमें उस लेवल में उनको बनाना पड़ेगा मैनेज करना पड़ेगा और सेट है खेल से हम उससे कोई भी बात की जानकारी प्राप्त करेंगे कि उनसे क्या अच्छा लगेगा उसके हिसाब से थर्ड में डिसिप्लिन कि हमें किस तरह से उनको डिसिप्लिन में रखना है खुद हम डिसिप्लिन में रहेंगे तब तो वो बच्चे सीखेंगे उसके बाद से हमें एक्सपीरियंस उससे हम बच्चे से कुछ सीखेंगे बच्चे हमें हमसे कुछ सीखेंगे सबसे अब फ्रेंडली होना जरूरी है क्योंकि फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो बच्चे हमें कुछ नहीं बताएंगे उसके बाद है हमें ग्रुप एक्टिविटीज एंड कोऑपरेटिव तो हमें ग्रुप बनाना जैसे कि हर बच्चे को एक क्या है नॉलेज वाले बच्चे को रखना है कोई कम नॉलेज वाले बच्चे को एक ग्रुप के थ्रू बनाकर हमें उनको एक्टिविटीज करवाना जरूरी है उसके बाद हेल्थ के डिपेंड जैसे उनके पैरेंट्स को भी बताना पड़ेगा कि उनके लिए क्या जरूरी है हेल्थ के बारे में सेफ्टी के बारे में भी बताना जरूरी है और इंडिपेंडेंस आज के लिए बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि उनको बताना पड़ेगा कि हमें बड़े होकर ना खुद पे डिपेंड होना भी बहुत जरूरी है उसके बाद है
अच्छी तरह से बातें भी करना जरूरी है, फिर मोटिवेशन करना है कि हमें उस क्षेत्र में, अभी ये नहीं है स्कूल लाइफ में ही नहीं, बाहर भी अपने घर में हो या कुछ सोसाइटी में जाते हैं, मोटिवेशन बहुत ही जरूरी होता है। उसे नेचुरल लर्निंग, जैसे कि हम प्राकृतिक तरीके से कृत्रिम तरीके से हमें उससे नॉलेज ही प्राप्त होता है और अपॉर्चुनिटी मिलती है कोई भी काम करने के लिए। जैसे कि आप ये सर पहली बार आए हैं, उनसे अपॉर्चुनिटी मिला है कि हमें क्या करना है। हॉस्टल में कोई भी टीचर है कि कहीं भी जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, फर्स्ट है। उसके प्ले बहुत ही महत्व है क्योंकि प्ले के क्षेत्र में भी बच्चे बहुत आगे जाते हैं। ये नहीं है कि हम सब पढ़ाई करें कि हमें टीचर्स बनना है, डॉक्टर बनना है। इसे प्ले के क्षेत्र में जैसे आज क्रिकेट ही सबसे फर्स्ट है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी बराबर लेवल में रीडिंग एंड स्किल सबसे मस्ट है। आगे बढ़ते जाते हैं उससे नॉलेज प्राप्त होता है। तो जैसे मैकेनिकल हो गया, कोई भी क्षेत्र में हमें उससे नॉलेज ही प्राप्त है। ये नहीं कि हमें नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम इंसान को उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानना जरूरी है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी टू लर्न, हमें मिलता है अपॉर्चुनिटी, उससे याद करना पड़ता है कि हाँ ये हम काम कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ टाइम, यदि हम समय पर ही रहते कि हर चीज करेंगे ना, तो हम उसके महत्व को जानना बहुत ही जरूरी होता है। Sir, my learning training is, I think the teacher should be an artist, first of all. Then we can turn from teacher everything to the student. Then the balance of activity and reading and writing. Next, curiosity should be there among the children and cooperation. Discipline. We should learn how to be disciplined. Energetic and emotional development should be in students. तो उनके अंदर emotional development होनी चाहिए। इसके बाद feeling, बच्चों में feeling डालनी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे बच्चे जो है इससे ग्रोथ हो रहा है। So I think sir, feeling is important. Peer learning. How can you learn proper? This is question mind. जो भी question उनके मन में आया वो सेकंड जी वो question put up करें। Reception and practice reading should be there. The story and expression, मतलब through a story they can express how they feel. Total environment and body timing with them. Value for the time. We should always learn that what is the value of the time. Reading, speaking, and exploration and discovery. And the last children should be there. और कोई है किसी टेबल पे वोट आ रही है सर प्लीज। सो आई हैव क्रिएटेड समथिंग ऑन माय सब्जेक्ट बेस्ड। सो दिस इज समथिंग वेयर आई एम रिलेटेड टू द फ्यूचर यू नो। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय व्हिच आई विल बी क्रिएटिंग फॉर माय स्टूडेंट्स। The subject. I will start with, as computer itself is an activity piece, classroom. I will help to create a friendly environment where people will go for more and more activities, so that the boredness of the technical thing will not come into the classes. Balance the class by the time, because at times people should not get students should not be bored by moving through the So I do it balance both are equally important. Both are equally important, absolutely right. Now the cooperation and care and share with the students, where each and every components are very expensive, so we need to cooperate with the students that don't hang on the keyboard because pointers, no stone scratches. So we have to be careful with them.
and we have to help them to cooperate with us, ask them to cooperate with us so that the school does not get any kind of loss by anything. Now, during the learning, obviously, when we are into a lab, there has to be a discipline while learning. So we can encourage the students to create a discipline so that all the learning objectives will be on time, because we have limited time in here as well. So this can be taken care of. There are various applications where we can learn, we can explore and do long exercises on it. Okay. Now, learning is always fun. When children of this generation are mobile addicted, I believe I can give them a platform. When computers can give them, anything, then they can create a fun environment where they can enhance themselves. Exactly, sir. But yes, I do understand. But computer and things like that, they are much excited about the computer classes because they have got something extra. They are with black and white, they are off open the black and white textbooks and things like that. Now, when we sense, when we teach anything, we need to set the goal of, okay, this explain this application, for example, if we teach them from PowerPoint. So what is the goal of learning the PowerPoint? We set the goal point that yes, by doing for PowerPoint or Excel or things you need. Encouraging yourself for the future where you can manipulate, calculate, or you can go for your presentations or things like that. So, develop a bit of creativity. Holistic development. Now, by doing this kind of things and encouraging the students for problems and instructions, we are actually doing holistic development. Hands on learning. There are various other things. Online and offline as well, so we can put them hand over the learning. We have we have different applications and many more which we are working. The students can see and motivate them if they are innovative. In the sense that I give you an example of PowerPoint. When you start with a PowerPoint, there are a lot of things you should be doing. There are a lot of things you can do with the presentation and things like that. Their innovations are how children are going to the environment of a computer lab is obviously a very joyful environment for them to learn. So students must be kind enough to share knowledge with others. So this has to be encouraged by the company itself. Sharing things or sharing knowledge with the slow learners. It's more requirement. Motivation, as most children do not take the computer as a means. Now, they take it as an optional subject. Right. So we need to motivate the children that looking at the computer at some time, you might become a doctor, you might become an engineer, you might become whatever you feel like, what is your ambition is. But at the point of time, you need to have the knowledge of computers. In every sector, in every field, computer is mandatory now. So this is what we can motivate. Now, nature of learning. There are certain applications where people can inculcate in nature into their learning. Like when they are in Photoshop, they have the tendency to where they can manipulate actually into a natural look, they can give a scene. That might be an artificial, but they can feel that as it is a natural one. So natural learning can be practiced in this session. Personal and social emotional development is very necessary because we need to educate the children, because personalizing them by teaching them that, look, this is an internet, you need to handle it with care. There are many other things as well where you should not go to them. Now, by emphasizing on the social awareness of people, these are the civil and bad, by socializing them, we can again enhance
step, you know, their mental level, so that they can understand what to do and what not to do, what is good for them and what not is good for them. Now, encouraging the student by question-minding and positive love. There are many times where in the classroom where we speak, but the children don't question you. Even though if they don't understand, they let it go. But yes, at times when you keep approaching to the students, asking them for what have they gone through, have they understood, if there are any doubts, please, curiosity building, you need to give them a certain thing that where there is curiosity. Which they might end up curiosity among themselves, where they can come up, stand up and ask somebody. Repetitions of practices helps the students to improve and learn. Over and over practice, we have to give them over and over chances of practice in the lab, extra lab as well, where we enhance their practice so that they can improve. This helps to create a scientific temperament. Obviously, when they sit and we practice, they try to do different things. So this, they are developing their mind. We creativity also we can relate to the scientific experiment. With safety and safety aware, self-awareness. So this all has to be taken care of. Now, having control over time control, I would say. We have limited time and limited things to do, many things to do, but we need to teach them that within a limited time, one could do a lot. Computer is unlimited. With the computers, you have unlimited opportunities. You have social networks, you have endless of knowledge. We also have to guide the student not to go for any kind of, not to fall into any kind of cyber. Related to any kind of cyber awareness. Okay. And we should also educate the student for the value of time and resources as the limited resources as when to when. Because people are somewhere down the line, if we are teaching the computers, we have to aware that mobile is something, being very mobile centric is not good for the field student. Mobile or computer can be used for their knowledge, information, or for any kind of experimental or scientific research like that, not for unused users and wasting time. Last but not the least, I would say, wonder, when we have set all these rules, wonder and exploration automatically come into them, and listening and speaking, and reading, when you have the presentation skills, people should learn and they can build their activities in themselves, and they can learn, read, and then through our presentations. Exploration and discovery is very much necessary, without which you cannot go and develop. Obviously, I would like to conclude with learning. To learn, well, important to learn that is with C. Has to be there on the students. Thank you very much, sir. Okay, now let us conclude this activity. प्रयास सर ने मतलब थोड़ा सा लंबा जरूर हुआ, लेकिन ये